प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में हमने देखा है आज आप लोगों की ग्रुप थ्योरी का सबसे जो पिछले साल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। आप जानते हैं रिंग इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और आइडियल्स ये सब मिक्सअप टॉपिक हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2018 में तो कुल मिलाकर के केवल 8 क्वेश्चन आया था, लेकिन 2019 में मैं भी आपको लगा के दिखाता हूं 20 क्वेश्चन आया हुआ है। अब 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इस मात्र 3 चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड ये तीनों आपको और आइडियल ये सब हम आपको एक साथ मिलाकर पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं और उसके बाद फिर हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी हमने आपको ग्रुप और ग्रुप पर आधारित बता दिया है, उसके बाद जो परम्यूटेशन पर हो गया, अभी बीच में आपका साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बचा हुआ है नॉर्मल सब ग्रुप, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी देखते रहिए, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड बहुत जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा आइडियाज कर दे देते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में क्वेश्चन ही है। रिंग क्या होता है? आर एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन, एक को डिनोट किया गया प्लस से, दूसरे को डॉट से, कुछ भी नोटेशन हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में हम लोग एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन लेकर चलते हैं। तो इस एल्जेब्राइक सिस्टम को, इस सिस्टम को रिंग कहते हैं। रिंग कहते हैं कब? अब जब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो आर प्लस हो वो अबेलियन ग्रुप बनाता हो। आर प्लस का मतलब ये सेट इस पहले बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में अबेलियन ग्रुप, माने कि 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव को फॉलो करे। दूसरा इसका पॉइंट होता है कि ये सेट आपका कैपिटल आर इस सेकेंड ऑपरेशन जिसका नाम डॉट है इसके अंडर में सेमी ग्रुप हो। अब सेमी ग्रुप चूंकि हमने आपको उसमें समय बताया है क्लोजर और एसोसिएटिव। और जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज माने होता है वितरण नियम, मींस मल्टीप्लीकेशन माने ये डॉट, डिस्ट्रीब्यूट एडिशन, मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इसको ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये आपका कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और ये कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये छोटा सा लेक्चर आपके बहुत काम का है, इससे आपका चैप्टर ये इजी हो जाएगा जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब देखिए, तो ये इतना तो हो गई रिंग की डेफिनेशन। अब इसमें कुछ रिंग से संबंधित और बातें, जैसे देखिए अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी फिट है, लेकिन सेमी ग्रुप में 3 प्रॉपर्टी और ऐड हो सकती है। अब अगर ये मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने लगे तब इस रिंग को कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। अगर इस मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी माने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो कि जनरली हम लोग 1 से डिनोट करते हैं वो भी एग्जिस्ट करने लगे तब इस रिंग को बोलते हैं रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। अब एक बात और, एक वर्ड होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, एक होता है रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स किसे कहते हैं? अगर रिंग के किन्हीं दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हम जीरो करें और उसमें से कम एक जरूर जीरो हो, ए जीरो हो या बी जीरो हो, तो उस कंडीशन में रिंग को विदाउट जीरो डिवाइजर्स कहते हैं। और अगर ना ए ही जीरो हो ना बी जीरो हो फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो हो तो उस कंडीशन में रिंग को बोलते हैं विद जीरो डिवाइजर्स। अब आप यहां पे मत सोचिए कि जब ये दोनों जीरो नहीं है तो ये कैसे जीरो हो जाएगा, उसका कारण ये है कि इस कंडीशन में मैट्रिक्स ली जाती है। आप जानते हैं दो ऐसी मैट्रिसेस हम ले सकते हैं जो जीरो ना हो फिर भी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, या आप साधारण गिनतियों के बारे में सोचिएगा। इस कंडीशन में विदाउट जीरो डिवाइजर, इस कंडीशन में विद जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव ला तो कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी एलिमेंट रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। अब इतना इसको बोलते हैं। उसके बाद यहां पे एक और जरूरी बात होती है वो ये है, एक शब्द है स्मॉलेस्ट रिंग। स्मॉलेस्ट रिंग किसे कहते हैं?
तो आपको बताऊं अकेला जीरो, मात्र एक एलिमेंट जीरो, ये रिंग बना ली जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अबेलियन ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी हो जाएगी, डॉट के अंडर में ये क्लोजर एसोसिएटिव दोनों होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करेगा। तो जाने रहेगा स्मॉलेस्ट रिंग होता है सिंगलटन जीरो। अकेला रिंग बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए वन, स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप स्मॉलेस्ट रिंग होता है जीरो। इसके बाद जो अगली बात आती है उसका नाम होता है, अगली जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन और रिंग में क्या अंतर होता है और फील्ड आपको तीनों ही बता देते हैं, फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रल डोमेन में सब कुछ ऐसे ही, डी प्लस डॉट बस नोटेशन है, इसको इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए, डी प्लस अबेलियन ग्रुप, वहां आर प्लस अबेलियन ग्रुप, तो यहां डी प्लस अबेलियन ग्रुप। डी डॉट में इनवर्स एग्जियम छोड़कर के सब होता है, तो आप चाहे तो इसको अबेलियन मोनाइड कह दें, आप चाहे अबेलियन सेमी ग्रुप विद यूनिटी एलिमेंट कह दें, तो चाहे जो बोलेंगे इसको चाहे अबेलियन मोनॉइड कह सकते हैं। अबेलियन मोनॉइड, अबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव, बाकी मोनॉइड माने क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। तीसरा पॉइंट वही सामने जो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वो होने चाहिए। और यहां पर एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है और वो होती है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। अब आपके सामने मौके पर रिंग भी लिखा है और इंटीग्रल डोमेन भी लिखा है। विदाउट जीरो डिवाइजर्स का मतलब ए बी बराबर जीरो हो, तो चाहे ए जीरो हो या बी जीरो हो, तब इसको बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। तो अगर देखें तो इंटीग्रल डोमेन ऑलरेडी रिंग है, रिंग के साथ साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है। इंटीग्रल डोमेन रिंग हमेशा होती है, अब अंतिम जो बचता है उसका नाम है फील्ड। रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड जान लीजिए और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फील्ड में क्या है, फील्ड की डेफिनेशन जानिए। फील्ड में नोटेशन है एफ प्लस डॉट, देखिए सब कुछ सब सेम है। इसको फील्ड बोलते हैं कब, पहली प्रॉपर्टी यहां पर होती है कि एफ प्लस अबेलियन ग्रुप हो, एफ प्लस अबेलियन ग्रुप। देखिए यहां पर R प्लस अबेलियन ग्रुप, यहां D प्लस अबेलियन ग्रुप, यहां F प्लस अबेलियन ग्रुप सेम। यहां जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है F माइनस जीरो डॉट भी अबेलियन ग्रुप हो, देखिए यहां पे केवल सेमी ग्रुप होता है और यहां पे अबेलियन मोनॉइड होता है, माने चार प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहां पे पांचों प्रॉपर्टी होती है लेकिन जीरो को छोड़ करके। ये जीरो से मेरा मतलब नहीं होता है, बात यह है कि यहां जो प्लस की आइडेंटिटी होती है उसका यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर जनरली हम इसको मल्टीप्लिकेशन जाने तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो तीसरा और अंतिम पॉइंट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो मौके पर बोर्ड पर आपके सामने तीनों परिभाषाएं लिखी हुई हैं, रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। अब इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन जाएंगे अगर डेफिनेशंस याद रहती हैं तो, बाकी हम लोग आगे देखते हैं इन पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन अगला है, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, ये क्वेश्चन मिला लीजिएगा सारा 2018 में आया है, देख करके सब लिखा हूं। क्वेश्चन पेपर आपका 2018 में, ये भी क्वेश्चन है, ये भी है, कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन 2018 में है और 20 क्वेश्चन 2019 में। लिखा है ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो ऐसे सोचिए रिंग में यूनिटी एलिमेंट आ गया और कम्यूटेटिव आ गई, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, और साथ साथ विदाउट जीरो डिवाइजर। तो अभी अभी बताया हूं थोड़ी देर पहले, ये सारी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल डोमेन में। तो अगर रिंग कम्यूटेटिव है, यूनिटी एलिमेंट है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो रिंग ही इंटीग्रल डोमेन है, यानी जवाब होगा इंटीग्रल डोमेन यानी सी। अगला लिखा है कि द सिंगलटन, अभी समझाने में ही मैंने बता दिया था कि सिंगलटन जीरो स्मॉलेस्ट रिंग होती है, किसके रेस्पेक्ट में,
दो दो ऑपरेशन होता है, एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अगला लिखा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज, देखिए ये एक थ्योरम है, इसको एज ए रिजल्ट आप याद रखें, रिंग की जो है रिंग की कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग निकालते हैं, लेकिन इंटीग्रल डोमेन अपने आप में एक प्रूफ है कि इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है तो जीरो होती है या तो प्राइम नंबर होती है, जीरो या प्राइम, एक केस इसकी भी होती है लेकिन वो अलग केस है। तो अगला लिखा है कि इन रिंग ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर द जीरो एलिमेंट, यानी कि टू क्रॉस टू मैट्रिसेस का सेट है वो रिंग बनाता है, तो जीरो एलिमेंट माने एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप ऐसे सोचिए टू क्रॉस टू में कौन सी मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की जुड़े कि वो चेंज ना हो, तो केवल जीरो मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की जुड़ सकती है, यानी कि आपका ये इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि चौथे का डी ऑप्शन। क्वेश्चन लिखा है इफ आर इज ए बुलियन रिंग देन फॉर एवरी ए बिलोंग आर, बुलियन रिंग तब कहते हैं जब रिंग के किसी भी एलिमेंट का आप स्क्वायर करिए और फिर वही एलिमेंट आ जाए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग आर, तो इसे बुलियन रिंग या आइडमपोटेंट रिंग भी कहते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू x के बजाय यहां क्या दिया है, a स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि फॉर एवरी ए बिलोंग आर है यानी इसका ऑप्शन ए सही है। ये भी हम से छूट गया, 2018 में ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी 2018 का है, यहां से भी 2018, ये 9 क्वेश्चन आपके 2018 के हैं। इसके बाद आपको लगातार 20 क्वेश्चन 2019 का बताएंगे और फिर कुछ क्वेश्चन और मिक्स। अगला लिखा है कि फीच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट ए फील्ड, कौन सी फील्ड नहीं है। देखिए एक तरफ से देखते हैं, यहां पर क्यू, क्यू माने सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का जो सेट होता है उसमें सब आता है, रेशनल्स माने इरेशनल को छोड़ करके। तो अब रेशनल में आपका जो प्लस है वैलेंस ग्रुप भी बनाएगा, जीरो को छोड़कर डॉट भी वैलेंस ग्रुप बनाएगा, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, रियल नंबर पूरा सेट ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका सुपर सेट है, तो ये सब के सब फील्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इंटीजर, इंटीजर में जो है रिंग बनाएगा, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, लेकिन जैसे एक गिनती ले लीजिए दो, तो दो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/2 वो एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये फील्ड नहीं बना पाएगा। तो कौन सी स्ट्रक्चर फील्ड नहीं है, डी। अगला लिखा है कि ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट इज ए फील्ड, वैसे अगर याद हो तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है तब तो इंटीग्रल डोमेन होता है, फील्ड भी ये होता है, लेकिन कब, एक थ्योरम होती है कि अगर इसके आइडियल्स केवल जो है इम्प्रॉपर आइडियल्स हों, माने कि हैज नो प्रॉपर आइडियल, यानी केवल और केवल जीरो और कैपिटल आर, अगर यही दोनों आइडियल होते हैं तो हमेशा वो जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट होता है वो फील्ड बनाता है, माने हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, यानी कि बी पार्ट, नो प्रॉपर आइडियल का मतलब इसके दो ही आइडियल होते हैं, एक जीरो एक कैपिटल आर। अगला है ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड विद जीरो डिवाइजर्स, ये तो अभी हमने वैसे ही आपको समझा दिया लेकिन कई सारे क्वेश्चन उसी से आ गए हैं, विद जीरो डिवाइजर्स, कब, ए बी अगर जीरो है तो ना ए जीरो हो ना बी जीरो हो, तब ए बी अगर जीरो हो तो विद जीरो डिवाइजर्स, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अगला लिखा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग कैपिटल आर, तो वैसे ही बता दें दो आइडियल का इंटरसेक्शन हमेशा एक आइडियल होता है, अगर यूनियन होता तो जरूरी नहीं कि होता, तो यहाँ इज एन आइडियल ऑफ आर नॉट नेसेसरली नॉट एन आइडियल नन ऑफ दीज, तो हमेशा एक आइडियल होता है, ये सारे क्वेश्चन 2018 के हो गए। अब हम देखिए चूंकि रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड, रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड और आइडियल मिलाकर चार चैप्टर है, तो एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस जल्दी से ही आपको हम सेकेंड वीडियो इसका प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।